ये है भूटान पेट्रोल जो कि 67 रुपीस पर लीटर है, और ये है इंडियन ऑयल आई मीन रिलायंस जियो भारत का पेट्रोल जो कि 104 रुपीस पर लीटर है। सबसे पहले हम चेक करेंगे भूटान पेट्रोल, यहाँ पे 1 लीटर पूरा नहीं है क्योंकि ब्लैक में थोड़ा कम मिलता है, बट कोई नहीं, दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम है, आप चेक कर सकते हैं, दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम है। एंड यार कलर में डिफरेंस देखो, कितना कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है कलर में, ये बहुत ही रेड और ये थोड़ा येलोइस। सबसे पहले इस येलोइस को ट्राई करेंगे, टैंकी बिल्कुल खाली है, चलिए स्टार्ट करके देखते, थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ है, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब लगता है पेट्रोल बिल्कुल ज़ीरो हो गया टंकी पे। यस, टंकी जो है बिल्कुल खाली, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल खाली। चलो सबसे पहले चेक करते भूटान पेट्रोल, ये गया टंकी के अंदर पूरे 1 लीटर, सो यहाँ चेक करना पड़ेगा पहले ट्रिप। ट्रिप वन आप देखना यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, ये देखो ट्रिप वन बिल्कुल ज़ीरो है, लेट्स सी किसका ज़्यादा माइलेज देता है। रनिंग ऑन भूटान ऑयल, ओके सर, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा है अभी भीड़ है ना, पूजा से आ रहा है। वही 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 सर जी, ओके ओके सर जी। यहाँ पे चेकिंग चल रहा था, बच गए यार, कभी कभार है ना मामू लोग अच्छे दिल के होते यार। फिलहाल दौड़ा है 11 किलोमीटर, देखते हैं ये 67 रुपीस वाला पेट्रोल कितना माइलेज देता है। फिलहाल तो बस दौड़ा है 11 किलोमीटर। A few moments later. पेट्रोल खत्म। 26 किलोमीटर दौड़ने के बाद चेक करते, बिल्कुल खत्म, टंकी खाली दोस्तों, टंकी खाली। ये देखो 26 किलोमीटर दौड़ा है, 67 रुपीस वाला पेट्रोल ओनली 26 किलोमीटर दौड़ा है, और मेरा गाड़ी 35 किलोमीटर माइलेज देता है। अब बारी है इंडियन ऑयल की, मेरा मतलब रिलायंस जियो। फाइनल चेक करते, ये था फाइनल चेक, गाड़ी बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद, गाड़ी बंद। 1 लीटर पेट्रोल दौड़ा है 26 किलोमीटर, और ये पेट्रोल का प्राइस था 67 रुपीस, विच वॉज भूटान पेट्रोल। अब बारी है इंडियन पेट्रोल की जो है रिलायंस जियो, मैंने खरीदा हुआ है रिलायंस जियो 1 लीटर, ये रहा रिलायंस जियो। अब इसे डालेंगे टंकी के अंदर, टंकी के अंदर ये गया पूरे 1 लीटर रिलायंस जियो। ये था माइलेज भूटान पेट्रोल का 26.9 किलोमीटर, लगभग 27 किलोमीटर पकड़ लीजिए। अब इसे कर देते पूरा साफ, ये हो गया साफ, और अब देख सकते 0.0। लेट्स टेस्ट द इंडियन पेट्रोल, ये आप देख सकते हैं ट्रिप वन बिल्कुल ज़ीरो है, और ये दौड़ रहा है इंडियन पेट्रोल में। लेट्स सी इसका माइलेज कितना होता है। स्पीड मोशन, सनसेट होने वाला है, नज़ारा देखो यार कितना ऑसम लग रहा है। कमेंट में जरूर बताना यार आपको यह जगह कैसा लगा। ट्वेंटी फोर किलोमीटर हो चुका है और पेट्रोल अभी भी जिंदा है, लेट्स सी और कितना दौड़ पाता है, क्या हमारा इंडियन पेट्रोल भूटान पेट्रोल को बीट कर पाएगा, लेट्स सी यार। 2 hours later. पेट्रोल खत्म।
भाई साहब बहुत ही हैरान कर देने वाला जवाब मिला है हमें, बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला। 26.3 किलोमीटर दौड़ा है। धोखा, बहुत बड़ा धोखा दोस्तों, बहुत बड़ा धोखा। हम यार इंडिया में 100 रुपीज़ करके यार पेट्रोल डालते और हमें जो माइलेज मिलता है 26 किलोमीटर, और जो पेट्रोल यार भूटान में मिलता है जिसका प्राइस ओनली 67 रुपीज़, वो हमारे इंडियन पेट्रोल को बीट कर पाया। ऑब्वियसली भूटान पेट्रोल का जो है माइलेज ज़्यादा निकल के आ गया। 26.9 किलोमीटर भूटान पेट्रोल ने दिया और हमारे इंडियन पेट्रोल ने दिया 26.3 किलोमीटर। अब सबको पता चल गया कि यार भूटान पेट्रोल माइलेज भी दमदार देता है एंड प्राइस भी बहुत कम है। चीपेस्ट फ्यूल विद बेस्ट माइलेज। अब देखो भूटान में जितना भी पेट्रोल या डीजल है वो सारा हमारे इंडिया से जाता है। भूटान गवर्नमेंट हमारे इंडिया से फ्यूल खरीदता है और उसे अपने देश में बिना टैक्स लिए बेच देता है, क्योंकि यार भूटान कंट्री एक इको फ्रेंडली कंट्री है जहाँ के लोग पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं और अपना एनवायरनमेंट बहुत ही साफ रखते हैं। तो भूटान के गवर्नमेंट ऑयल रिफाइनरी में फोकस नहीं करता है क्योंकि वो नेचर को पल्यूट करता है। इसीलिए भूटान इंडिया से पेट्रोल खरीदता है और उसे अपने देश में बिना टैक्स लिए बेच देता है, क्योंकि यार उनका मानना है कि जो चीज़ नेचर को पल्यूट करता है उसमें ज़्यादा पैसा क्यों फेंकना। काश यार ऐसा सोच है ना हमारे इंडियन गवर्नमेंट का भी होता, बट कोई फ़ायदा नहीं, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो इसी वजह से ना टैक्स भी बढ़ते ही रहेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार।